कॉलर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए मुझे मुफ्ती साहब से राय लेनी थी और थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी मुझे उनकी इस मामले में कि मैं शादीशुदा हूँ पिछले तीन साल से लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पर आ, मुझे कोई और पसंद है ऑल्डो तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने आ, किसी किस्म की मुझे कोई तंगी नहीं दी हुई कुछ किया हुआ नहीं है आ, फाइनेंशली भी आ, उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है लेकिन क्योंकि दफ्तर में हमारा इतना टाइम साथ में गुजरता है तो आ, मुझे कोई और जो है उनकी तरफ मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आ, जाता है तो मुझे ये पूछना था कि कोई इस तरह करके मुझे वसीफा बता दें कि मैं उनका दिल भी ना तोड़ूं अपने खावन का और उनसे मैं अलहदा हो जाऊं और शादी कर लूँ उनसे जिसको मैं पसंद करती हूँ तो अगर मेरी इस मामले में कोई वो हेल्प आउट कर दें जी बहुत शुक्रिया आपका जी मुफ्ती साहब बसमीम देखें बाज़ दफ़ा ना दिल हमारा बहुत सारी ऐसी चीज़ों का करने लग जाता है कि जो जायज़ नहीं होती तो इसलिए ख्वाहिशात को काबू में करना यही सबसे पहली बात है आप ये चाह रही हैं कि एक हंसता घर जो है वो ख़राब हो और फिर एक और घर को बसाया जाए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ अगर आपको समझ आ जाए तो जो नबी करीम अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई ख़ातून उजरे शरी के बगैर तलाक़ का मुतालबा करती है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी तो अगर तो आप समझती हैं वाकई आपका उज़रे शरी है और उज़र शरी ये भी बन सकता है कि बिलफर्ज आप अपने खामन के पास हैं और आपको वहाँ पर जा के भी तो ख्याल किसी और जानब ख़ का परिंदा परवाज़ करता है तो आप इस गुनाह से ख़ुद को भी बचाने के लिए और अपने जो ख़ावन है उनको भी बचाने के लिए एक मुनासब तरीक़े के मुताबिक बात कर लें मेरे ख़्याल से पहली बात जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगी कि आप गुज़ारा करें देखें आ, घर को ख़राब करना अल्लाह ताला के हाँ नापसंद जो जायज़ काम है ना उन कामों में नापसंदीदा काम तलाक है तो एक घर को उजाड़ के तो आप दूसरा घर बसाएं क्या गारंटी है कि आप वहाँ पर भी ठहर पाएंगी क्योंकि अगर ख्यालात के पीछे बंदा चले ना ख्वाहतें नफसानी के पीछे तो ये तो कहीं पे जाके भी रुकती नहीं है तो आ, अगर आपके इस काम को देखें कि आप जिस महकमे में काम करती हैं वहाँ अगर इतना वक्त गुज़रता है कि जो अलीदगी में कि जहाँ पर आपको ये फीलिंग आना शुरू हो गई तो आपका वहाँ पर प्यारी बहना काम करना भी मुनासिब नहीं है कि एक खामन के निका में होते हुए आप उसकी अमानत के अंदर खयानत कर रही हैं आपकी मुस्कुराहट से लेकर तो आपके बनने संवरने तक और आपकी बातों से लेकर तमाम तर मामला आपके खावन की अमानत है जिस तरह खावंद की अमानत है इसी तरह खावंद को भी चाहिए कि अगर किसी ऐसी जगह पर काम करता है कि जहां पर खुत है मर्द काम करते हैं तो खावंद को भी चाहिए कि अपनी बीवी का ख्याल करते हुए अपने आप को उसकी अमानत समझे तो ये देख लें आपके सामने मैंने दोनों चीजें रखनी है फैसला आपने करना है कि जन्नत को हासिल करना है या कि आपने दुनियावी नियमतों को हासिल करना है जहाँ तक हाफिज़ साहब बात यह थी मैं अगर आप मुझे एक मिनट भेज इससे पहले जो बात हो रही थी आ, मैं उससे बिल्कुल इतफ़ाक़ करता हूँ कि बहुत अच्छी बात हुई बड़ी अच्छी कन्वर्जेसन हुई हमारी फ़लस्ती के हवाले से और जब भी कोई अच्छी बात करेगा चाहे वो कोई भी हो तो हमें उसकी तइद करनी चाहिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे हाँ बल्कि हमारे इस मुल्क के अंदर एक ऐसा चैनल भी है कि जो इस आवाज़ को उठा रहा है और ये बिल्कुल बड़ी ख़ुशी की बात है हम बिल्कुल भरपूर तइद करते हैं रही बात ये कि अगर हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मताल करते हैं तो हमें बीसियों आयात ऐसी मिलती हैं जो जहाद के ऊपर हैं हाफ़िबूर नबी करीम सलील वल वम की सीरत से जो हिटलर ने सबक हासिल किया था ना आज वो कौमें कामयाब हैं क्यों उसने हजूर नबी करीम सलील वसम की तमाम सीरत का मताल करने के बाद जब आखिरी नहज पर पहुँचा नबी करीम सलील वालम के काशाना अकदस में खाने के लिए मुठ्ठी भर जो थे इसके बावजूद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उस दीवार के ऊपर दो तलवारें लटकी हुई थी इससे उसने नतीजा अखज़ किया कि अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो दिफाही लिहाज से और गैरत के लिहाज से तुम्हें कामयाब होना चाहिए कि अगर खाने के लिए कुछ नहीं भी ना करीमा का सलाम का विसाल बा कमाल हुआ तो घर में जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था लेकिन दीवार के ऊपर दो तलवारें लटकी हुई इससे हाँ। लोगों ने नतीजा अखज किया कि कामयाब होना चाहते हो तो अपने आप को असले के लिहाज से जदीद सारे उस दौर के अंदर असला तलवार समझा जाता था आज अगर कामयाब होना चाहते हो तो फिर जनाब तुम असल के लिहाज से और अपने जब लीडरान का इंतखाब करते हैं ना उस वक्त पता नहीं हम कहां पर सोए होते हैं तब हमें बरादरियां याद आ जाती हैं तब हमें गली मोहल्ला बनना याद आ जाता है तब हमें अपने नजायज़ कामों का हसूल याद आ जाता है उस वक्त हमें गैरती वानी का मुजाहरा करते हुए अपने उन लीडरान कोसम्बली के अंदर भेजना चाहिए कि जो इस्लाम और दीन इस्लाम और गैरत का मुजाहरा कर बिल्कुल ठीक हो साहब हम इंडस्ट्री पर बात कर रहे हैं मीशत मजबूत होगी तो उसने आपको दिफाही तौर तो पर भी मजबूत करना है फ़ंड्स होंगे तो इस वक्त आपको लगता है कि जो मसाइल हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उनको हल करने की ज़रूरत है जी बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल्स को हल करने की ज़रूरत है मैं समझता हूँ कि जब तक जब तक हम सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे तो माशी तौर पर मजबूत होना बहुत मुश्किल है क्योंकि पॉलिसी जो भी बने वो लॉन्ग टर्म बने यहाँ एक पॉलिसी कोई भी बनती है और जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो उस प्रोग्रामों को वहीं छोड़ देते हैं और नई पॉलिसी बना देते हैं ठीक है इसलिए हमारे हमारे अदारे मज़बूत करने की ज़रूरत है टेक्सटाइल का अपना एक बहुत वसी अदारा है यहाँ पर हमने जो बजट देखा हमें मुझे तो दिली तौर तो पर बड़ा अफसोस हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं तो खैर इस टाइम मौजू और चल रहा है मेरा दिमाग भी डबल साइड पर चल रहा है कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं फ़लस्तीन पर हाँ। बात करूँ और, और और करने भी उसी पे चाहिए तो ये तो सेकंड है सेकेंडरी है हमारा लेकिन हमारी टेक्सटाइल को खड़ा होने की ज़रूरत है हमारे लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है इस टाइम एक बंदे का बाईस तेईस हज़ार में गुजारा नहीं हो रहा उसकी वजह यह है कि बिजली सुई गैस तमाम चीज़ें इंसान की पहुंच से दूर हो गई हैं तो इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और मेरे हिसाब से सैलरीज बढ़नी चाहिए लोगों की और बिजली सुई गैस के नर कम होने चाहिए और साथ साथ टेक्सटाइल पर खसूस मैं मज़ीद आपसे बात करता हूँ ये जो टेक्सटाइल के लिए बिजली और सुई गैस वाला मामला क्योंकि अभी एक मरतबा फिर मेरा ख़्या हैकूमत तो एक सौ पचपन फ़ीसद गैस की कीमतों को बढ़ाने में जा रही है और मेरा ख़्या छः सात सौ फीसद गुज्तर चंद महीनों में गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं कारी साहब वजीफ़ा उन्होंने पूछा था इनके लिए वजीफ़ा बताया कि वो बच जाएँ जब वो उनसे दूर हो जाए और ज़रा खावन की तरफ से पहले भी इस पर बात की थी इसके लिए हम अक्सर बताया करते हैं सूरत ये हमारी बहन सूरतून पढ़ कर पानी पर दम करे और उसको वक्फे वक्फे से पीती रहे ये ख्वाहिश नफसानी उसकी कुछ दिनों में टूट जाएगी एक, में, एक दिन दफ़ा एक बार पढ़ के पानी पर दम कर बहुत थीक शक्री शक्री थीक आपका जी। लेते फरमाइए मुझे सवाल करना है कि हमारा रोज़ा क्या इतना ही कमजोर होता है कि किसी वजह से मकरू हो जाता है फास्ड हो जाता है ये कहा जाता है

तो वो अपनी तरफ से कोई राय जो है वो कायम नहीं करते तो जहाँ तक ताल्लुक है ना कि रोजे के मकरू होने का असल चीज़ है रोजे का नाम ही रुक जाना है खाशात नफसानी से रुकने का नाम रोजा है तो पेट का रोजा है तो इसी तरह आंखों का भी रोजा है अपनी आंखों को भी आप नाजायज़ कामों से बचाएं अपने हाथों को अपने पाओं को दीगर जुबान को भी बल्कि यहां तक के अपनी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे तो अपने को ना एक दायरा कार में रखें असल रोजे का मकसद है तकवा अगर आपको तकवा का हुसूल नहीं होता तो आपका पेट का रोजा हो जाएगा तो जहां तक बात है ना कि रोजे के अंदर कराहत पैदा करने की तो हर सुन्नत को तरक करने से कराहत पैदा होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि काम से रोजा टूट जाता है रोजा उन्हीं कामों से टूटता है कि जो दमाग से कोई चीज टपकाई जाए या गले से नीचे उतारी जाए या फिर किसी से कोई जिमा हो जाए अपनी बीवी से तो इस इन तमाम सूरतों से रोजा टूट एक जाता है। चीज मैंने ऐड करनी थी आ, हमारी डिस्कशन हुई थी कुछ दो तीन पिछले एपिसोड्स में आपने कहा था कि जायका जिस टूथपेस्ट का ना हो जी जो टेस्टलेस होती है टूथपेस्ट वो इस्तेमाल की जा सकती है रोजे के दौरान तो उससे रोज़ा फासद या नहीं होता मकरू और जो टेस्ट वाली टूथपेस्ट होती है वो अगर हम, तो हम तो इस्तेमाल करें तो वो ज़ाहिर है वो उसमें तो टेस्ट है वो तो पता चली जाएगा खुदा ना खासक गले से नीचे जाती है तो मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं जायका ना होने वाली टूथपेस्ट की तो क्या उसमें केमिकल्स नहीं है वो तो हमें नहीं मालूम होगा ना कि यहाँ से गुजरी है देखिये असल में ना जायके का ताल्लुक नहीं है असल चीज़ है कि किसी चीज़ का गले से उतरना तो मिसाल के तौर पर मैं तो इसीलिए मसला ये भी बयान कर देता हूँ कि अगर किसी ने इतनी एहतियात के साथ ब्रश किया कि उसके गले से कोई चीज़ नीचे नहीं उतरी तो ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे मुफ्ती साहब सॉरी मुफ्ती साहब मेरी बात ही समझे मैंने ये पूछा आपसे कि जब टूथपेस्ट का टेस्ट नहीं है लेकिन टूथपेस्ट टूथपेस्ट है ना पूरा एक उसका जैसे कहते चंक है पूरा एक पेस्ट है वो हमने यूज़ की सब कुछ किया गरारे की कुल्ली की अब वो मुझे मालूम नहीं हुआ मेरे दिमाग को मालूम नहीं हुआ कि वो यहाँ से गुजरी क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं था लेकिन वो गुजर गई ठीके। और ठीक है अब मालूम नहीं हुआ तो वो कैसे रोज़ा नहीं टूटा देखिए जहाँ तक है ना ताल्लुक़ कि किसी चीज़ के मालूम ही नहीं आपको हुआ कि कोई चीज़ गले से नीचे उतर गई जब आपको मालूम हो गया फिर तो रोज़ा फासिल है और अगर नहीं, आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया बात आपकी कि वो उसका जायका ही नहीं है तो वो गले से नीचे उतर गई तो इसलिए मैं मैंने इसलिए मसला बताया ना कि आपको रोजे की हालत में ब्रश करने से इसीलिए उलम रोकते हैं कि एक बंदा जब एहतियात नहीं कर पाएगा या उसको इस चीज का पता ही नहीं है तो इसलिए वो रुक जाए और फिर सबसे बढ़ के जब उसका मुतबादल नबी करीम सल्लम की सूनत में मिसवाक की सूरत में मौजूद है तो उसी को करना चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पर आज मेरे से एक मसला एक बंदे ने पूछा मैं वो भी डिस्कस कर दूं चलें सुनने वालों का इसमें फायदा हो जाएगा बड़ा अजीब मसला हफिज साहब आज पूछा कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपनी बीवी के करीब गया रोजे की हालत में और मुझे पता ही नहीं था कि जिमा से रोजा टूट जाता है अब ये असल में सवाल बनता है एक बंदे को ये इल्म ही नहीं था कि बीवी के पास जाने से रोजा टूट जाता है तो ये आज पहली दफा एक बंदे ने सवाल किया तो मैं अर्ज कर रोजा तो उसका टूट गया लेकिन चूंकि लाइल में ऐसा हुआ था तो इस पर रोजे की कजा है कफारा नहीं है लेकिन अगर किसी को पता था कि रोजा टूट जाता है और फिर उससे ऐसा मामला हो गया तो उस पर कफारा भी है और कजा भी कफारा भी है कजा भी है समझ के ये दो चीजें